મહત્વના સમાચાર કેદારનાથમાં ફસાયેલા ઉત્તર ગુજરાતના યાત્રીઓને હાલ તો બચાવી લેવામાં આવ્યા છે। 50 જેટલા યાત્રીઓને હેલિકોપ્ટરની મદદથી નીચે લાવવામાં આવ્યા છે। અરવલ્લી મહેસાણા સાબરકાંઠાના યાત્રીઓ અહીં ફસાયા હતા। આ તમામને હાલ તો સુરક્ષિત રીતે નીચે લાવવામાં આવ્યા છે। સીએમએ ઉત્તરાખંડના એસીઓસીનો કર્યો હતો સંપર્ક અને તમામની તાત્કાલિક બચાવ માટેની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે। આ 50 યાત્રીઓને હેલિકોપ્ટરની મદદથી હાલ તો બચાવી લેવામાં આવ્યા છે। कोई कहीं फंसा हुआ नहीं है, क्योंकि यात्रियों को जगह जगह रोका गया है, कोई फंसा हुआ नहीं है। फिर भी जो है जिलाधिकारी महोदय और कप्तान साहब जो है ऊपर केदारनाथ चले गए हैं और वहां से जो है स्थितियों पर नियंत्रण रख रहे हैं। और यहां पर जो है हेली से रेस्क्यू भी स्टार्ट कर दिया गया है। अभी तक 98 यात्री जो है वो आ चुके हैं और यात्रियों को लाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। जितना भी पॉसिबल होगा सारे यात्रियों को हम नीचे ला देंगे। जो है हमने वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में फूड पैकेट्स लिंचोली घिम्बली और इन सभी स्थानों में गौरीकुंड में व्यवस्था कर दी है। एक अन्य मार्ग जो है कुछ लोग पैदल जो है हमारे दूसरे रास्ते से भी आए हैं चौमासी वाले रास्ते पे, वहाँ पे भी हमने चौमासी में खाने पीने की व्यवस्था हमारे प्रशासन बीडीओ वगैरह बैठे हुए हैं और जगह बाकी जगह हमने एसडीएम्स की ड्यूटी लगाई है। एडीएम्स वहाँ पर लिंचोली में मौजूद है, हमारे जो आपदा प्रबंधन अधिकारी भी भीमबली और लिंचोली में मौजूद हैं। इसके अतिरिक्त हमारे जो पूरा सेक्टर ऑफिसर्स हैं एनडीआरएफ की टीम डीडीआरएफ की टीम वो पूरे मौके पर लगी हुई है और रास्ते में भी जहाँ जहाँ पर टूटे हुए हैं उन जहाँ पर अगर पार कर रहे हैं तो उसको हमने एनडीआरएफ डीडीआरएफ की टीम के साथ ही जो है इनको रेस्क्यू किया जा